बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो अंबाला से है। हरियाणा के अंबाला छावनी के हनुमान मार्केट में देर रात आग लगने की वजह से 3 दुकानें जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। आपको बता दें कि आग की चपेट में आई 2 कपड़े की दुकान और 1 कॉस्मेटिक की दुकान जलकर खाक हुई है। हालांकि आग की सूचना के मिलने के बाद 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। दुकानदारों का कहना है कि घटना की सूचना मिलते ही कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पीड़ित दुकानदारों से बात कर जांच करने का आश्वासन दिया है। फिलहाल आग लगने की वजह अभी तक ट्रांसफार्मर में हुए शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। 4:35 में फोन आया हमारे पास और उन्होंने फोन किया भी हमारे दोस्त था उनके बेटे ने भी अंकल आपकी दुकान पे आग लगी। मैं और बेटा कार लेके फटाफट दुकान में पहुँचे तो आग इतनी भड़क चुकी थी भी हम उसको ना कंट्रोल करना क्या हम उसको देखते हमारी दुकान के सामने ना सारा सुहा हो गया। साथ में 2 दुकानों को लग गई और 100 नंबर पर फ़ोन किया था कोई अप्लाई नहीं हुई। 7 फोन थाने में रिपोर्ट लिखाने गए हैं वो कहते हैं हमारे को पता ही क्यों नहीं ना उन्होंने मर दिया और वो थाने में जाके 100 नंबर का मैं गया वो कहते जी हमारे को तो पता ही नहीं हमने उनको 4-5 बंदे आ गए थाने में तो 20 वहाँ खड़े होने के बावजूद कहते मैं तो चौकी मैं तो मेरी तो ड्यूटी नहीं है जी थाने में जी मैं किसकी ड्यूटी है बताओ जी। वो कहते कोई हमारे पता ही नहीं जी किसकी ड्यूटी जी। तो 10 के बाद फायर ब्रिगेड आ गई। फायर ब्रिगेड वालों की तारीफ करते हैं उन्होंने 15 में फटाफट सेटिंग करके 2 गाड़ी और मंगवाई उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करी उनके थैंक्स बोले उसकी 4 गाड़ियाँ आई उसकी वजह से सारे बाजार को बचाव हो गया। 3 दुकानों में लगी उनके आने के बावजूद तो बचाव हो गया नहीं तो सारा बाजार जल के।